हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी डी। ओके, ध्यान से सुनना। दिस इज ए सिंपली डिफरेंशिएशन ऑपरेटर एंड दिस इज डिनोटेड बाई डी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये सी पार्ट टू के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी ये पढ़ा होगा। 11th 12th से आप इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी डी वाई का मतलब निकलेगा आज के बाद डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सिंपली जो डिफरेंशिएशन होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक टॉपिक भी है। यानी फाइनाइट डिफरेंस के अंदर अगर कैपिटल डी होगा तो कैपिटल डी का मतलब होगा डिफरेंशिएशन से। ओके, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर फॉरवर्ड डेल, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड डेल होता है, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ई शिफ्ट ऑपरेटर होता है या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर होता है। बीएससी पार्ट वन पार्ट टू या डिफरेंशियल इक्वेशन से आप जानते हो कि अगर किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसको लिखा जाता है डी ओवर डी एक्स एफ ओफ एक्स या एफ डैश एक्स। अगर डी टू एफ एक्स करते हो तो इसका मतलब होता है डी टू यानी दो टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप करना चाह रहे हो। एफ एक्स बराबर होगा एफ डबल डैश एक्स। क्लियर? ओके, अगर आप एन टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो फार्मूला होगा, मान लिया अगर यहाँ डी एन है, एफ ओफ एक्स है, तो जाहिर सी बात है इसको लिखोगे आप डी एन ओवर डी एक्स एन एफ ओफ एक्स। क्लियर? इसी तरीके से अगर डी फाइव है, डी फाइव एफ एक्स है, तो इसको आप लिखोगे, यानी आपने सॉरी एक्स की पावर एन एन भी है, अगर आपने फाइव लिखा तो ये होगा पांच बार डिफरेंशिएशन, डी फाइव ओवर डी एक्स की पावर फाइव एफ एक्स। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एफ डैश फाइव, यहाँ ले लो एफ डैश फाइव एक्स। ये कितना हो जाएगा? एफ डैश कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है? एन टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट, सेकंड टाइम है तो सेकंड, फोर्थ टाइम है तो फोर, जैसे मैंने ट्रिपल डैश लिखा है। आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये लो इसी फॉर्म में लिख लो। इसको क्या लिखोगे आप? एफ डैश 1 2 3 4 5 और ये एक्स, इसको एन टाइम लिख लो, 1 2 3 4 5। बच्चों वाली बात है यार, अगर मैं डी थ्री एफ एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि इस फंक्शन को 6 बार डिफरेंशिएट किया है, डैश लगाने के बाद 6 बार। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ई एफ एक्स यानी शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एनी फंक्शन, ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच या एक्स प्लस के वन, एच की वैल्यू वन भी होती है। हमारे पास बीएससी पार्ट वन के अंदर जहाँ आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जहाँ आपने अगर आपके सिलेबस में हुआ होगा, हमारे टाइम में तो था, टेलर सीरीज था और मैकलेरिन सीरीज था। अब होगा या नहीं होगा, यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज करती रहती है। ओके, वहाँ एक टेलर थ्योरम थी जो डिफरेंशिएशन में यूज़ होती थी। आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, लेम्बिनिडीज थ्योरम, टेलर थ्योरम, मैकलेरिन थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक। टेलर थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एफ ओफ एक्स प्लस एच है तो ये फार्मूला होता है, इसको लिखा जाता है एफ ओफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f" x प्लस एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f" x एंड सो ऑन। ओके, और इसकी हेल्प से बच्चों एक तुम्हें एक ये जो टेलर सीरीज है इसी ने पहले ये फार्मूला दिया था, जरा सा इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन करूँगा मैं, बताऊँगा आपको। एफ एक्स बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? एफ एक्स बराबर बता रहा हूँ मैं, सॉरी, एफ एक्स प्लस एच बराबर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f" x एंड सो ऑन। कि सर इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी? ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है ना। दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करो, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी? फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा। तिबारा फिर डिफरेंशिएशन करो, एफ ट्रिपल डैश फिर एक्स फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस फंक्शन के अंदर में
एक्स इजिक्वल टू जीरो डाल दो और एच इजिक्वल टू वन डाल दो, तो ये फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस वन। इधर क्या निकल करके आएगा, इधर होगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू वन एफ डैश जीरो प्लस एक बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ x की वैल्यू जीरो डालता हूँ, e की पावर जीरो की वैल्यू हर बार वन होती है, यहाँ से रिजल्ट निकल करके आएगा वन, तो हो जाएगा ये प्लस एफ डैश वन, सॉरी ये जीरो डाली मैंने, ये तो हो गया e की पावर जीरो की वैल्यू वन, और यहाँ होता है h, ये हुआ h प्लस अगले वाला वन अपॉइंट टू यानी एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। h को मैंने h ही रखा, वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एच की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। आपके पास ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है कितना होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, अर्थात ये इस तरह से फार्मूला बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, सिर्फ फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको फार्मूला ही बता रहा हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये स्टेप आप याद रख लेना, क्योंकि फार्मूला है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप, फर्स्ट ईयर में आपने इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना, तो ई ऑफ एफ एक्स, ये वाला देखो आप, ई ऑफ एफ एक्स, क्लियर, एफ एक्स प्लस एच की ये वाली वैल्यू डालो, ये वाली टेलर सीरीज, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ डाली, एफ एक्स होएगा प्लस एच, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो आप, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये देखो, ध्यान से देखना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखो, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है डी स्क्वायर एफ एक्स। इसी तरीके से एच की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये क्या होगा, डी की पावर थ्री एफ एक्स। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ई एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। ओके, एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला होता है टेलर सीरीज बी एस सी पार्ट वन, बी एस सी फर्स्ट ईयर टेलर सीरीज, मैंने लिखा हुआ अभी बाई टेलर थ्योरम, एफ एक्स प्लस एच बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ से चला ई ऑफ एफ एक्स, तो ऐसे ही एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये डाली मैंने, डाल दी, देखो आप एफ एक्स एज इट इज, एच मेरा एज इट इज, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू डी एफ एक्स है, डल गई आपके सामने, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू डालो डी स्क्वायर एफ एक्स, डल गई वैल्यू, एच की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये कितना हो जाएगा एफ थ्री, सॉरी डी थ्री एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, क्लियर। आगे चलता हूँ, कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचा वन, यहाँ बचा एच डी अपॉन फैक्टोरियल वन, यहाँ बचा एच डी का स्क्वायर, एच स्क्वायर डी स्क्वायर बोले तो एच डी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ बचा एच डी की क्यूब बटे फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, ऐसे बच गया। आगे चलता हूँ, तो मेरे पास ये निकल करके आया बेटा, ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एच डी प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच डी की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, क्लियर। अभी इसी फार्मूले की मैं बात कर रहा था, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इलेवन ट्वेल्थ का फार्मूला है, e की पावर x बराबर होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ओके, ध्यान से सुनना, यहाँ x की जगह अगर मैं एच डी रिप्लेस कर दूंगा, इसके अंदर देखो आप e की पावर एच डी का फार्मूला देखो, एच डी कितना होगा भाई, वन प्लस एच डी फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, ये हो जाएगा ना। तो ई एफ एक्स मेरा एज इट इज, ये एफ एक्स मेरा एज इट इज, ये फार्मूला टोटल क्या बन गया, ई की पावर एच डी, एफ एक्स है एफ एक्स कैंसिल, ई इज इक्वल टू और इक्वलेंस, ये तीन साइन होते हैं इक्वलेंस के। ओके, या आप डायरेक्टली देख लो, ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, इससे अगला स्टेप लिखा हुआ है मैंने, जब मैं एच डी की वैल्यू निकालूंगा तो लॉग ई होगा, क्लियर, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा हूँ मैं, ई इक्वलेंस का निशान लगा लो या इक्वल का निशान लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का मतलब सेम निकलता है। सवाल फिर पैदा होता है कि सर आपने ये इक्वलेंस का निशान लगाया ही क्यों। बेटा, जब अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे यहाँ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं,
तब हम इस इक्वलेंस का निशान लगाते हैं जो कि बराबर ही होता है, लगभग बराबर होता है। क्लियर? अर्थात e की वैल्यू e की पावर एच डी या e बराबर e की पावर एच डी। जब मैं e की वैल्यू लूँगा इसके ऊपर से, चाहे तो आप दोनों तरफ से लॉग ले लो या डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, एच डी बराबर होता है लॉग e। ओके, मैंने वही लिखा, एच डी बराबर लॉग e। अब e की वैल्यू होती है 1 प्लस के डेल, होती है ना, e इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल। मैंने यह वैल्यू डाली एच डी बराबर लॉग 1 प्लस के डेल, ये लिखा हुआ है, एच डी बराबर 1 प्लस के लॉग, सॉरी एच डी बराबर लॉग 1 प्लस के डेल। क्लियर? आगे चलते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है, आपको पता है, 11th क्लास का फार्मूला है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। एच डी मेरा एच डी, यहाँ मैंने लॉग 1 प्लस डेल का फार्मूला लगाया, एक्स को रिप्लेस किया सिर्फ डेल से, और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हुआ डेल, डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल की पावर 3 अपॉन 3 माइनस डेल की पावर 4 अपॉन 4। और यहाँ से जब मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो जाहिर सी बात है, सॉरी जब मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूंगा, डी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो एच बटे में पहुँच जाएगा ना, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल की पावर 3 अपॉन 3 माइनस डेल की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। यानी इस डेल और डी के अंदर तो ये संबंध होता है, ये डेल और डी के अंदर, और इस डी और ई के अंदर ये संबंध होता है। ओके, यानी ई इज इक्वल टू होता है ई की पावर एच डी, फार्मूला है याद रखना है, डी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एच, डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल की पावर 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। ओके, एक बात और भी बेटा, जब भी मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी थ्योरी क्लियर करने की। वो लेक्चर 5 मिनट का पहुंचे या 10 मिनट का पहुंचे, डजेंट मैटर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।